हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शमसुदामा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ट्रेन टिकट कैंसिल कैसे किया जाता है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि टिकट बुक कैसे करना है, IRCTC में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और तत्काल टिकट कैसे बुक करना है। तो बुक तो कर लिया आपने, लेकिन कैंसिल कैसे करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक टिकट है, आपको मैं ऐप में ले जाके आपको बताऊंगा पूरी तरीके से। लेकिन आप देखिए, मेरे पास टिकट है, तीन टिकट है, ठीक है। तो अगर आपके पास तीन टिकट है, चार टिकट है, तो उससे अगर एक बंदी को कैंसिल करना है वो बताऊंगा, अगर तीनों एक साथ करना है वो भी बताऊंगा, और रिफंड कब और कैसे आएगा वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरा समझ आ सके। सो चलिए वीडियो के अंदर चलते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, MyIRCTC रेल कनेक्ट का ऐप डाउनलोड कर लेना, ये आपके पास होगा। फिर उसके बाद इसे ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन कर लेंगे और यहाँ से फिर ऑप्शन आएगा कैंसिल करने का। तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपने इसमें अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो आप प्लीज़ अकाउंट बना लीजिए पहले। तो टिकट बुक कराया होगा किसी से तो, या बुक करना है पहले तो आप क्या करें, अकाउंट बना लें, फिर बुक करें और फिर टिकट कैंसिल करने का ऑप्शन चूज करें, ठीक है। तो चलिए, और अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो इस ऐप में लॉगिन करने का भी ऑप्शन मैंने बता रखा है इससे पहले वाले वीडियो में, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए इसमें एक पासवर्ड डालूंगा और OTP कैप्चा डालूंगा, ठीक है। सो गाइस, मैंने अपना पासवर्ड एंड कैप्चा फिल कर दिया है, देन लॉगिन पे क्लिक करूंगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा है। सो गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा, ख़राब लगा, जो भी लगा बताएं, कोई भी दिक्कत आता है तो वो भी कमेंट करके पूछें। अब देखिए, लॉगिन हो चुका है, या तो हम माई बुकिंग्स में जा सकते हैं या माई ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, माई ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। माई ट्रांजेक्शन में जाने के बाद ये देखिए माई बुकिंग्स यहाँ पर भी शो कर रहा है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी माई ट्रांजेक्शन में जा सकते थे। सो गाइस, चाहे तो आप यहाँ से माई बुकिंग पर क्लिक कर लें या होम पे जाके अपने माई बुकिंग्स पर क्लिक कर लें इस तरीके से। सो गाइस, आपके सामने दो टिकट खुल गया मेरे, मैंने दो टिकट बुक कर रखा है। इसमें आप देख सकते हैं, एक है मेरा 4 अगस्त का, एक है 27 जुलाई का, ठीक है। 27 जुलाई वाला मुझे टिकट कैंसिल करना है, जो कि दिल्ली टू पटना है, ठीक है। दिल्ली टू पटना का टिकट था, इसे मुझे कैंसिल करना है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल दिख जाता है कि कौन सा ट्रेन है, कब का है, टाइमिंग क्या थी और डेट क्या था, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं इसमें दो एडल्ट हैं, एक चाइल्ड है, ठीक है। सेकंड एसी का ये टिकट है तो इसे हमें कैंसिल करना है। तो इसमें आपने तीनों टिकट देख लिया, सब कुछ आपने अपना डिटेल देख लिया। इसके बाद आप ऊपर यहाँ पे 3 डॉट देख रहे हैं, 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन दिखाई देता है। पहला है करंट स्टेटस, 4 ऑप्शन है सॉरी। करंट स्टेटस क्या है कि ये जो आपका कोच नंबर है, अगर आपने पहले कभी वेटिंग में अगर बुक किया होगा टिकट तो आपका ये कंफर्म की ओर दिखाता है, जो भी सीट ऊपर नीचे होता है वो दिखाता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है कैंसिल टिकट, चेंज बोर्डिंग पॉइंट, यानी कि अगर आप 4 घंटे पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना चाहते हैं, यानी दिल्ली से आपने टिकट बुक किया है और चाहते हैं कि आप अलीगढ़ से वो ट्रेन पकड़ें, तो आप बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर सकते हो। और ऑप विकल्प, यानी कि ये है कि अगर आपका वेटिंग में रहता है तो विकल्प ले सकते हैं, यानी कि आपका किसी और ट्रेन में भी दिया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, कैंसिल, कैंसिल पर क्लिक करना है, सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद हमने देख लिया कौन सा ट्रेन था, दिल्ली टू पटना का, पेना हमने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास 3 टिकट है, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार हमें एक ही टिकट कैंसिल करना होता है। मान लीजिए हमारा फैमिली के साथ ट्रिप बना और पापा को नहीं जाना है या मम्मी को नहीं जाना है या किसी भाई का पेपर हो गया उसे नहीं जाना है, तो मान लीजिए हमें सिर्फ एक टिकट कैंसिल करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे बॉक्स देख रहे हैं, सिर्फ एक पे क्लिक करते ही यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आएगा। और एक बात बता दूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, चार्ट नॉट प्रिपेयर। अगर चार्ट प्रिपेयर हो गया तो ट्रेन का टिकट आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, और ये 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर हो जाता है, यानी कि अगर 4 बजे ट्रेन है हमारा तो 1 बजे हमारे चार्ट जो प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद आप टिकट कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर 3 घंटे से ज़्यादा ट्रेन लेट है तो भले ही आप उसको फाइल TDR कर सकते हैं। तो देखिए, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे सारा टिकट कैंसिल करना है। सेलेक्ट ऑल पे मैंने कर लिया, मैंने सारा डिटेल अपना चेक कर लिया है। इसके बाद हम कैंसिल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमने कर दिया कन्फर्म कैंसिलेशन, ठीक है, हमारा हो गया कैंसिल, जो भी था हमारा अमाउंट आ गया जो हमें कैंसिल चार्ज मिलेगा, ठीक है। अब हम बैक चलते हैं। अब हमें रिफंड कहाँ दिखाई देगा, ठीक है, हमारे टिकट कैंसिल हो चुका है तो हम चलेंगे कैंसिल पे। और हम मुझे एक मैसेज भी आ गया है, ये देखिए PNR इज कैंसल, ठीक है, तुरंत आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो हम होम पे चलेंगे और उसके बाद रिफंड हिस्ट्री में देख सकते हैं, ठीक है, वरना मैंने जो कैंसिल टिकट किया वो देख सकते हैं। इस पर जाएंगे, इस पर हमने क्लिक किया है और ये देखिए
अभी मैंने किया था 27 तारीख का, कैंसिल हो गया, कैंसिल आईडी ये है, ठीक है। और हमें रिफंड हिस्ट्री देखना है, इस पर क्लिक करेंगे, सिंपल सा रिफंड हिस्ट्री पे क्लिक किया। सो गाइस, जैसे ही आपने रिफंड हिस्ट्री पे क्लिक किया तो आपको दो टिकट दिख रहा होगा, ये जो मैंने पहले कैंसिल किया है, ठीक है, एक 15 को एक 18 का मेरा टिकट था, इस दोनों को मैंने कैंसिल किया था, तो उसका रिफंड दिखा रहा है। तो पहले हम टाटा टू डीएनडी एक्सप्रेस पे क्लिक कर लेते हैं, और मेरा जो अमाउंट लगा था 187, रिफंड हुआ ओनली 85। ऐसे ही मेरा जो अब नेक्स्ट वाला होगा, मेरा 2100 लगा था, उसमें 6400 रिफंड होगा, वो अगर आपने 3 to 7 डेज के अंदर आपका कैंसिल हो जाता है। और रिफंड कहाँ जाएगा, अगर आपने जिससे भी UPI से किया होगा तो आपके UPI में चला जाएगा, अगर आपने ATM से किया होगा या क्रेडिट कार्ड से किया होगा तो क्रेडिट कार्ड में आपका अमाउंट चला जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। कोई भी दिक्कत आता है गाइस प्लीज़ कमेंट करके पूछें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।